उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। मिस्टर सन टेक्स अ हॉलिडे। संडे हॉलिडे होता है एंड पीपल लाइक टू हैव फन ऑन संडेज। दे गो आउट ऑन पिकनिक्स। सम पीपल रेस्ट एट होम। कुछ लोग बाहर पिकनिक पर जाते हैं और कुछ लोग घर पर रेस्ट करते हैं। वन फाइन संडे मिस्टर सन ने सोचा कि वह भी छुट्टी लेंगे। सब लोग संडे को छुट्टी करते हैं और खूब मस्ती करते हैं, आखिर उन्हें भी तो छुट्टी चाहिए थी। और फिर संडे तो वह दिन था जिसका नाम ही मिस्टर सन के नाम से बना था। यह सोचकर मिस्टर सन अचानक डिसअपीयर हो गए, मतलब गायब हो गए। अब पूरा अर्थ डार्कनेस से कवर हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक स्क्विरल अपनी फ्रेंड के साथ खेलते हुए रुकी और बोली, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस डार्कनेस? द सन इज नो वेयर टू बी सीन। सन कहां है? इस पर उसकी फ्रेंड बोली, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स गो होम। और दोनों ट्री के होल में चली गईं। वहीं एक पौधे ने चारों ओर देखा और सोचा, वेयर इज द सन? आई कैनॉट ग्रो विदाउट इट्स रेज। आई टू शुड टेक अ हॉलीडे। मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। मैं तो उग ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता बिना सन के। और उसके फ्लावर्स और लीव्स ग्राउंड की तरफ झुक गए। दूसरे प्लांट्स भी सन के बिना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इवन द ट्रीज मिस्ड हिम। अपने नेस्ट से बाहर झांकते हुए अ बर्ड विस्पर्ड टू इट्स चिक्स, इट्स डार्क आउटसाइड, अभी बाहर अंधेरा है। How can I find a worm or a grain for you? You will have to be hungry today. और वो अपने नेस्ट में वापस चली गई। Without sunlight, I will not be able to find any flower. एक मधुमक्खी भुनभुनाई और उसे लगा, it's better if I rest. और वो अपनी बीहाइव में चली गई। What? The sun is not shining anymore? Shouted a drop of water, जो टैप से बाहर ही आने वाली थी। Oh, that means I cannot be turned into vapor. अब मैं भाप नहीं बन सकूंगी और मैं आसमान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। I will not be able to go up and reach the sky. Oh, I shall miss my trip to the sky. When the wind passed over a hill, it exclaimed, Oh, no, no sun? I cannot believe this. Men, women and children, sabhi ghabra kar apne apne gharon mein dubak gaye. Ve khidki se bahar jhaank rahe the aur keh rahe the, The sun cannot take a holiday. What is going to happen now? It became very quiet everywhere on the earth. हर तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। और उधर स्नो वॉज वेरी प्लीज्ड, वो तो बहुत खुश थी। अब तो पिघलेगी नहीं क्योंकि सन नहीं थे। चाहे जैसे बह सकती थी, चाहे जितना गिर सकती थी। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर।
चारों तरफ स्नो गिर रही थी। पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स सब जम गए थे। अर्थ पर सभी प्राणी सन के लौटने का इंतजार करने लगे। सम प्रेड टू गॉड, इवन द अर्थ स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल हु लिव्ड एंड ग्रू ऑन इट। उधर मिस्टर सन ने जब देखना चाहा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि लाइफ ऑन अर्थ हैड कम टू अ स्टॉप। ही फेल्ट सॉरी, वह किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह हॉलिडे पर नहीं रहेंगे। ही डिसाइडेड टू गिव अप इस हॉलिडे एंड स्टार्टेड शाइनिंग अगेन एंड स्लोली ही रोज द रेड सन। स्नो और कोल्ड घबराकर चले गए। द फ्लावर्स रेज द हेड्स एंड हनी बीज स्टार्टेड बजिंग। द ड्रॉप ऑफ वॉटर स्टार्टेड डांसिंग और अब क्लाउड्स तक उसकी जर्नी शुरू होने वाली थी। विंड झूमने लगी। अब बर्ड्स भी खाने की खोज में निकल गईं। द स्क्विरल बिगैन टू जंप एंड प्ले। मैन, विमेन और चिल्ड्रन सभी घरों से बाहर निकल आए। पीपल बिगैन टू रिलैक्स एंड द चिल्ड्रन डांस एंड सैंग। सब जगह खुशी ही खुशी छा गई और सन भी खूब कसके चमकने लगे।